अगर हम हमारे प्लेयर्स का पेट भी नहीं भर सकते ना, तो हमें इनके परफॉर्मेंस पे सवाल भी नहीं उठाना चाहिए। हमारे पास हाथ पैर आंख कान मुंह नाक सब कुछ है। जरा ध्यान से देखिए इस फोटो को, क्या आप इन्हें जानते हो? अच्छा, अगर इन्हें नहीं तो फिर इन्हें तो जरूर जानते होंगे। दरअसल ये दोनों हैं WWE के प्रोफेशनल रेसलर्स अंडरटेकर और जॉन सीना। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से मैक्सिमम जनता ना सिर्फ इन्हें जानती होगी बल्कि इनकी बहुत बड़ी फैन भी होगी। लेकिन अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, क्या आप इन्हें जानते हो या फिर इन्हें, या आपको जरा सा भी आइडिया है कि ये लोग किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ऐसे शक के निगाह से मत देखिए, ये कोई अंडरटेकर या जॉन सीना जैसे फॉरेनर्स नहीं बल्कि ओलंपिक्स में इंडिया को ही रिप्रेजेंट करने वाले इंडियन प्लेयर्स हैं। इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब यहां से 6000 किलोमीटर दूर टोक्यो में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर कुछ बातचीत कर ली जाए, क्योंकि हमारे देश की मैक्सिमम जनता गेम्स का सिर्फ दो ही मतलब जानती है, या तो वीडियो गेम्स जैसे कि पबजी या फिर मेरा आपका और हम सबका फेवरेट यानी कि क्रिकेट। इतना फेवरेट कि हमने कोरोना में भी बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर IPL करा डाला। अब करा डाला तो फिर दिक्कत क्या है सर, हम तो वैसे भी क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर्स को भगवान मानते ही हैं, तो फिर भगवान के जितने ज्यादा दर्शन होंगे उतना अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब बात क्रिकेट से हटकर किसी और स्पोर्ट्स की करी जाए, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश ने आज तक ओलंपिक्स में सिर्फ 28 मेडल्स ही जीते हैं। अब जिन लोगों को यह डेटा देखकर डर नहीं लग रहा वो पहले बाकी कंट्रीज के परफॉर्मेंस को देख लो। अमेरिका 2500 से भी ज्यादा मेडल्स, जर्मनी 1000 से भी ज्यादा मेडल्स, ग्रेट ब्रिटेन 850 से भी ज्यादा मेडल्स। अब हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि सर इन कंट्रीज के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हमें तो इंडिपेंडेंस ही 1947 के बाद मिली है। ठीक है, नहीं करते, बट व्हाट अबाउट चाइना? चाइना जिसने अभी तक 600 से भी ज्यादा मेडल्स जीती, और अगर बात इंडिपेंडेंस की करी जाए तो चाइना गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1949। तो ऐसा कैसे हुआ कि हमारा पड़ोसी चाइना, जिसे हम रोज टीवी चैनल के डिबेट्स में हरा देते हैं, उसने पिछले कुछ सालों में ही इतने सारे मेडल्स जीत लिए? आज से 13 साल पहले बीजिंग ओलंपिक्स में ही चाइना ने अकेले 100 मेडल्स उठाए थे, जिस वक्त हम सिर्फ 3 मेडल्स जीत पाए थे। और आज टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमारे यहां खबर यह छप रही है कि हम मेडल्स तो जरूर जीतेंगे लेकिन सिंगल डिजिट्स में। अब वो डेटा जो बीइंग एन इंडियन में आपको दिखाना नहीं चाहता और शायद बीइंग एन इंडियन आप जानना भी ना चाहो, माइकल फेल्प्स, द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। इन्होंने अपने पूरे करियर में 4 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करा और इन्हीं 4 ओलंपिक गेम्स में इन्होंने टोटल 28 मेडल्स जीते, जितना कि हमारा ये 135 करोड़ की आबादी वाला ये देश पिछले 100 सालों में एक एक करके बटोर पाया है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप एक सवाल जरूर सोच रहे होंगे कि व्हाई आवर परफॉर्मेंस इज सो पैथेटिक एट द ओलंपिक्स। आई एम सॉरी टू से, बट इतने घटिया परफॉर्मेंस के लिए आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमारे प्लेयर्स जिन्हें ढंग से खेलना नहीं आता, या हमारे लोग जो क्रिकेट के अलावा और कुछ देखते ही नहीं है, या फिर हमारे पॉलिटिशियंस जो स्पोर्ट्स के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्लेयर्स की, क्या सच में इन्हें खेलना नहीं आता या फिर बात कुछ और है? अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट, इन्होंने कुछ साल पहले एक ट्वीट करा था। इस ट्वीट में इन्होंने कहा था कि यूके जैसी कंट्रीज एक मेडल जीतने के लिए 5.5 मिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट करती हैं, यानी करीब 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो एक मेडल जीत पाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई यूके की कि यूके कितना इन्वेस्ट करता है, बट व्हाट अबाउट अस, हम कितना इन्वेस्ट करते हैं? सर हमारे यहां क्या सिस्टम है? हमारे यहां सिस्टम है कि हमारा नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन सड़कों पर कुल्फी बेच रहा है, हमारे यहां सिस्टम है कि हमारी नेशनल कराटे चैंपियन सड़कों पर दारू बेच रही है,
हमारे यहाँ सिस्टम है कि 2011 स्पेशल ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सड़कों पर गोलगप्पे बेच रही है। एक तरफ कहा हम 50 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे प्लेयर्स कुल्फी और दारू बेच रहे हैं। अब वापस चलते अपने उसी सवाल पे कि क्या हम मेडल्स हमारे प्लेयर्स के चलते नहीं जीत पाते। सर, अगर हम हमारे प्लेयर्स का पेट भी नहीं भर सकते ना, तो हमें इनके परफॉर्मेंस पे सवाल भी नहीं उठाना चाहिए। हमें तो इन प्लेयर्स को सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने क्रिकेट लविंग कंट्री में किसी दूसरे स्पोर्ट्स को चुना, और ना सिर्फ चुना बल्कि पूरी दुनिया के सामने हमें रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि हमारे लिए मेडल्स भी ला रहे हैं, जैसे कि मीराबाई चानू। तब अगर प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमारे लोग जो क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं देखते? याद कीजिए इस फोटो को जिसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, जिसकी एक झलक से आपने पहचान लिया था कि कौन अंडरटेकर है और कौन जॉन सीना। लेकिन आज से 25 साल पहले ऐसा नहीं था, ना तो इंडिया में कोई अंडरटेकर था और ना ही कोई WWE। WWE ने पहली बार इंडिया का टूर 1996 में करा था, जिस वक्त ना तो हमें इनकी रेसलिंग समझ आती थी और ना ही इनकी अंग्रेजी। लेकिन आज 25 साल बाद हालत यह है कि WWE अपने लाइव शोज इंडिया में टेलीकास्ट करती है, और वो भी 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। तो ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिका के बाद रेसलिंग इंडिया में भी फैल गया? ऐसा कैसे हुआ कि हम इंडियन लोग इन अमेरिकन रेसलर्स के फैन बन गए? मुद्दा यह नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, मुद्दा यह है कि अगर हमारी जनता क्रिकेट के साथ साथ रेसलिंग देख सकती है तो क्या हमारे इंडियन एथलीट्स को नहीं देख सकती? बिल्कुल देख सकती है सर, लेकिन कोई दिखाने वाला चाहिए। अब जिन लोगों को दिखाना है वो खुद इस चीज को लेकर के कितने जागरूक है? विच ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड पॉइंट कि क्या हम मेडल्स हमारे पॉलिटिशियंस के चलते नहीं जीत पाते। कॉमनवेल्थ गेम्स, जिस वक्त पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर थी, उस वक्त हमारे नेताओं की नजर घोटाले पर थी। अगर आपने मैरी कॉम और दंगल जैसी मूवीज देखी होंगी तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में किस लेवल का पॉलिटिक्स चलता है। जो भी थोड़ा बहुत पैसा इन स्पोर्ट्स को मिलता है उस पर पहला हक प्लेयर्स का नहीं बल्कि कुछ पॉलिटिशियंस का होता है। यानी कि यस आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पुअर परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक्स, बट क्या सारा दोष पॉलिटिक्स का है? क्या सिर्फ नेता बदलने से हमारी तकदीर बदल जाएगी? ऐसा नहीं है सर, पॉलिटिक्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम की शुरुआत होती है एक सोच से, वो सोच जो कहता है कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। जिस सोच के चलते पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने नहीं देते, और जो लोग खेलने देते हैं उनका निशाना मेडल पर नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कोटे से मिलने वाली सरकारी नौकरी पर होता है। अब आप ही बताइए, जिस देश में स्पोर्ट्स के नाम पर शून्य परोसा जाता है वहां मेडल्स कहां से आएंगे? ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी है, हमारे पास हाथ पैर आंख कान मुंह नाक सब कुछ है, बट प्रॉब्लम यह है कि किसी ने हमारे दिमाग में यह बात फीड कर दी है कि बेटा अगर पैर से खाना खाओगे तो हाथ जूठे नहीं होंगे, और क्योंकि पैर तो गंदे होते ही हैं इसलिए हमने उनकी बात मान भी ली। जब तक हमारी सोच सीधी नहीं हो जाती तब तक हमें इक्का दुक्का मेडल से ही जश्न मनाना पड़ेगा, और जिस दिन हमारी ये सोच सीधी हो गई उस दिन सबसे ऊपर अपना तिरंगा होगा। अब अगर आप हमसे सहमत हैं तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बदलाव की बात आज से ही शुरू हो सके।